ओमनीट्रिक्स जब एलियन फोर्स में फटी तब वो इतनी धीरे ब्लास्ट हुई कि उससे एक प्लैनेट भी तबाह नहीं हुआ, लेकिन हमें तो शो में बताया गया था कि ओमनीट्रिक्स के फटने से पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? आई नो तुम्हें रीजन पता है, और बैन ने खुद ही कहा था कि अगर मैं ओमनीट्रिक्स को काफी टाइम तक चार्ज करूंगा तो ही ऐसा होगा, लेकिन अभी उसने सिर्फ थोड़े टाइम तक ही उसको चार्ज किया इसलिए वो इतना नहीं फटी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जो डिवाइस इतनी पावरफुल है कि उसके फटने से पूरा यूनिवर्स, ध्यान से सुनो, पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, उसका एक ब्लास्ट इतना छोटा भी कैसे हो सकता है कि जिससे बस सामने वाला बेहोशी हो, जैसे कि विलगेक्स हुआ था। मतलब बैन के आसपास खड़े हुए लोग भी इतना अफेक्ट नहीं हुए। खैर वो तो गवेन ने शील्ड बना ली थी, लेकिन कुछ तो बड़ा होना चाहिए था ना, कुछ तो असर होना चाहिए था। बस एक चीज हुई कि केविन ठीक हो गया, बाकी विलगेक्स के बायोड्स वैसे के वैसे ही थे और लड़ाई कंटिन्यू हुई। यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और फेमस टूल तबाह हुआ और इतनी आसानी से, कुछ तो गड़बड़ गया। इसके पीछे कोई और कारण डेफिनेटली है। अब इसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि बैन ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उसने बोला कि मैं अगर इसको काफ़ी टाइम तक चार्ज करूं तो ही ये इतना बड़ा धमाका करेगी कि यूनिवर्स तबाह हो, लेकिन इसको सिर्फ ज़रा सा चार्ज करने पे ही छोटा सा धमाका ही करेगी। लेकिन वो ज़रा सा चार्ज कितना होगा, 1 मिनट 30 सेकंड, 1 घंटा 2 घंटा, और इसका अंदाज़ा बैन ने लगाया कैसे कि धमाका कितना बड़ा होगा? और चलो मान भी लें कि लगा लिया अंदाज़ा, तो जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे थी तो वो ज़रा भी डरा नहीं, ये कैसे? तो ये बैन ऑब्वियसली ओमनीट्रिक्स का लंबे टाइम से यूज़र होने की वजह से कर पाया, और वो समझता था ओमनीट्रिक्स को, अंदाज़ा था उसे कि कितना फटेगी, और वो ओमनीट्रिक्स विलगेक्स के हाथों में नहीं लगने देना चाहता था, और शायद इसलिए भी उसने ऐसा किया। मतलब बड़ा ब्लास्ट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बैन के लिए ओमनीट्रिक्स से ज़्यादा ज़रूरी उसके लोग हैं, जैसे कि केविन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स वगैरह। तो उसने यही सोचा होगा कि अगर मैंने ओमनीट्रिक्स बड़ा चार्ज बिल्डअप करके फोड़ा, मतलब उसने बढ़िया चार्ज बिल्डअप किया और उसके बाद अगर ओमनीट्रिक्स फोड़ा दी तो ये लोग भी मर जाएंगे, ऑब्वियसली यूनिवर्स तबाह होगा, लेकिन अगर मैं छोटा धमाका करूं तो ये लोग तो बच जाएंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? और वैसे ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं कि बैन कई बार ओमनीट्रिक्स के बदले अपने लोगों को चुनता है, जैसे कि हमने देखा था इसी सीरीज में ग्वेन और केविन को बचाने के लिए बैन ने ओमनीट्रिक्स विलगेक्स को दे दी थी। वहीं बेंटन क्लासिक में बैन ने नल वर्ल्ड में आई थिंक एक बार ग्वेन को और खुद को भी ऑब्वियसली विलगेक्स और केविन से बचाने के लिए ओमनीट्रिक्स देने को कहा था ग्वेन को, ताकि वो वहां से निकल सके। इसलिए मैं भी ये कारण रहा होगा कि बैन ओमनीट्रिक्स को यहाँ पर इतना फुसकी ब्लास्ट से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवाता है, ना कि कोई बहुत बड़े ब्लास्ट से जिससे कि यूनिवर्स ही तबाह हो जाए। बाय द वे, क्या आपने सोचा है कि अजमत ने ओमनीट्रिक्स को एज अ वेपन ऑफ पीस के तौर पे बनाया था, लेकिन उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फीचर क्यों डाला फिर? मतलब ठीक है, गलत हाथों से बचाने के लिए ठीक है, लेकिन इतना तगड़ा कि उससे यूनिवर्स ही तबाह हो जाए, सुनने में बड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ तो आप दुनिया को बचाना चाहते हो, उसमें बैलेंस लाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप दुनिया ही खत्म कर देना चाहते हो, मतलब यूनिवर्स ही खत्म कर देना चाहते हो। अजमत वैसे है शाना आदमी, उसने सोचा होगा कि अगर लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा, तो लड़ाई ही नहीं होगी, एकदम पीस। वैसे आपको अजमत की इस अप्रोच के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, पर क्या पता ये अप्रोच अजमत की हो ही नहीं, किसी ने फेरबदल किए हो ओमनीट्रिक्स में अजमत के पीछे से, उसके पीछे से जाके ये फीचर इसमें डाल दिया हो जिससे कि ओमनीट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने पर पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाए। बाय द वे, आपकी इस पे अपनी कोई थ्योरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो बैन ने बाद में अल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स भी ले ली थी और उसे भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा दिया था, तो क्या अगर अल्टीमेट्रिक्स फट जाती तो क्या उससे भी यूनिवर्स तबाह हो सकता था? कमेंट्स में बताना, क्योंकि ओमनीट्रिक्स के जैसे ही तो वो बनी थी, बस अल्टीमेट वाला फीचर एक्स्ट्रा था, प्लस वो डीएनए वगैरह रिस्टोर नहीं कर सकती थी, बाकी तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी। वैसे अगर सेम इंटरनल टेक्निक से बनी है तो यूनिवर्स उड़ा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।